Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, my name is Muskan and I will really appreciate if you take a moment and subscribe to my channel. कल का और आज का दोनों का जो व्लॉग का इंट्रो है ना वो एक ही कपड़ों में होगा, लेकिन बात ये कि वो कल का नहीं वो आज का ही था। मतलब अभी पे सो ही नहीं, 12 बजे हैं, सहरी का टाइम हो चुका है। अभी मैंने घंटा पहले वो व्लॉग एडिट करके अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देखें। उसमें मैंने अपनी स्किन केयर शेयर की है। अगर मैंने काटना था वैसे मुझे बोलना ही नहीं था, ये डिड इट बैड, यू नो आई सॉ यू सो देख रही था तुझे बुरी बात। उसमें अपनी स्किन केयर शेयर की है और आप लोगों को जाके जरूर देखनी चाहिए। अब हम चलते हैं किचन में और किचन में जाके देखते हैं कि क्या पक रहा है। आज मम्मा ने अचार कुछ बनाया, दैट्स रियली गुड। अचार गोश्त सिजलिंग सा, रोटी टेढ़ी मेढ़ी सी, फैट सी। आज मेरे साथ सहरी करेगा बबल्स। क्या तू भी मुझे ऐसे की देख रहा है? तू भी कैसा है? हम वॉक कर रहे हैं शहरी करने के बाद और इरम मेरा पानी की बोतल लेके आई है। मैंने उसे कहा था कि मुझे पानी दे दे, आधा घंटा उड़ गया, उड़ गया। बहुत शुक्रिया आपका। हम पानी पियेंगे आधा घंटा, आधा घंटा पानी ही पियेंगे। मेरे ना हो रही थी पेट में दर्द, पता नहीं क्यों। अब मैंने खाई है पेट दर्द की गोली और सहरी बनने में 5 मिनट रह गए। शुगर टाइम से पहले पता चल गया, फिर वरना क्या करते। यहाँ लग रहा है सुबह का लाना, सुबह ने वहाँ पीने आना है। आप लोग को हिंट मिल गया, जोर ज़्यादा मुझे वॉक करने में, मैं घर में वॉक करूँ, मैं वॉक कर आई बाहर से। लेकिन अब दवाई खाने के बाद ऐसा लग रहा है पानी ओवरफिल हो गया। क्या नाम है? है लिली, बहुत प्यारी है। हेलो लिली, गुस्सा करती है? नहीं करती, काटती है। मैं प्यार कर सकती हम पे जंप करेगी। गाफे आ गए, शुक्र इसके आने से पहले बिल्ली हमने अंदर भेज दी। इसको बिल्ली से बहुत डर लगता है गाइस। कैसे चल रहा है देखो सर, देखो देखो देखो, ये डोरेमोन का गाना गा रहा है। गाफे आपको एक आयरोनिकली एक चीज़ बताऊं बड़ी मज़े की, आप सलाम अलैकुम। अच्छा आपको एक बात बताऊं, आप डोरेमोन का गाना गा रहे हैं ना? हाँ। मैं 2 दिन से डोरेमोन देख रही हूँ। हाँ क्योंकि मुझे पसंद आ गए डोरेमोन, पता नहीं क्यों। अब अच्छा आप अभी आए हो, उसकी लड़की के पास बिल्ली थी, वो बिल्ली लेके बाहर खड़ी है अपनी, लिली नाम है उसका। गिराफे भी बाइक ने झूला लिया, गिराफे भी झूले में बैठ ही गया। डोरेमोन डोरेमोन, अगर आप डोरेमोन होते ये वो है नोबिता, जाइए डोरेमोन और आप नोबिता। नहीं वो डोरेमोन है, डोरेमोन नहीं, मैं डोरेमोन हूं, वो नोबिता है। नोबिता 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 तो छुट्टियां करता रहता और उसका होमवर्क भी नहीं करता। ऐसा होता? हो तो मेरे पे चला गया, हमारी गाड़ी तो नहीं गई। कौन है? होंगे कामयाब, अब होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। इनको खांसी आ रही है। मामा क्या हो गया? मामा ने स्कूल जो डॉक्टर, अफ्तारी के बाद मैंने भी डोज खानी, मुझे भी कान में दर्द हो रही है। मामू ने $1,500 बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। वाओ जोर वाओ, $1,500 शुक्र है वो आ गए जो वो ढूंढ रहा था। चलो जी चलो जी चलो जी, ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं जो भी मामू की गेमिंग को। पैसे लिए जा रहे हैं, कितने पैसे जिंदगी में एक सेकंड में आ जाए तो क्या ही बात है। तो गाइस अब हमने व्लॉगिंग के लिए एक नया माइक्रोफोन ऑर्डर किया है। मामा मैंने अपने साथ लगाया, देखते हैं कि उसमें आवाज आती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, तो ठीक है दुआ करने की आ जाए उसमें आवाज। अभी मैंने चेक किया था, पहले कभी चल रहा था, किसी वीडियो में नहीं चल रहा था, अब होपफुली चल जाएगा। और ये देखें हमारा रोजा रही चिप्स खा रही छुप छुप के गाइस। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह,
अब देखते हैं कि आप लोगों को आवाज आती है। मैं इस वीडियो को सुनती हूँ ताकि पता चले कि माइक्रोफोन चल रहा है कि नहीं। तो मैंने अपना माइक चेक किया, वो चल रहा है। बाकी अब लगता है कि अच्छी वीडियोस बनाएंगी। जब फोन दूर होगा तो फिर आवाज आप लोग को मेरी सही आ जाएगी, जो गूंज रही होती है। पीछे से एक बेबी आ रहा है। ये माइक चल रहा है। मैं बेटा टेस्टिंग करूं। बोलो। हेलो हेलो हेलो। अगर आवाज आ रही तो लाइक कर। अगर आप भी बोल दो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है तो लाइक बनता है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी सुनी है, फटी हुई आवाज लग रही है। तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में माइक यूज करूँ कि ना करूँ। अनोइंग लग रहा तो मैं यूज नहीं करूँगा। और इनके पीछे फोर्टनाइट चल रही है। अब सवाल मेरा यह है कि क्या ये हर वक्त मेरे साथ लगा रहेगा माइक? और अगर मैं जब भूल गई ना मेरे कपड़ों में लगा हुआ मशीन में चला गया तो अल्लाह हाफिज हो जाएगा। अजीब चीज ये हुई है कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैंने कौन से वाला उसका मॉडल ऑर्डर किया। तो मैंने जब दराज का वो पेज खोल के देखा और मैंने चेक किया कि मैंने कौन सा वाला ऑर्डर किया था, तो मैंने अभी देखा कि जिसे मैंने ये ऑर्डर किया उसने इस माइक की प्राइस 1000 रुपया और बढ़ा दी है। आई वाज सो शॉक्ड कि हफ्ता पहले मैंने ऑर्डर किया और 1000 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 200 डायरेक्ट 1000 रुपया। पाकिस्तान में महंगाई तो बहुत है, ये तो सच है। तो मैं हम तोते को मिलने आए हैं, बड़े दिन हो गए हमने तोते की शक्ल नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम बेबी, कैसे बेबी तुम शीशा पी रहे थे अंदर चुपके, क्यों शीशे पीने लग गए हो? इधर पापा दे दो। गाइस मैं अभी इस माइक की थोड़ी सी टेस्टिंग करने लगी। मैं इसीलिए ऊपर आई हूँ क्योंकि मैं इसको टेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे क्योंकि लग रहा है कि इसकी आवाज बहुत फटी फटी सी है एंड ऑब्वियसली वो फिर एक्सपीरियंस बहुत गंदा हो जाता है और लोग अनॉय हो जाएंगे और फिर लोग मेरी वीडियोस देखना बंद करते हैं। और अगर आपको भी ये आवाज अनॉइंग लग रही है या आप प्लीज अपना रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि मुझे भी नहीं पता। आई एम न्यू टू दिस, आई वांट टू लर्न। अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसी से सीखूंगी। तो आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है हेयर पेंट्री की तरफ से। इट्स अ वेरी फेमस हेयर ब्रांड, इनका मुझे आया है फ्रिज टैमर विद आर्गन ऑयल। दिस इज अ सीरम, 3-in-1 फॉर्मूला है, रिड्यूस ब्रेकेज, फ्रिज कंट्रोल एंड हीट प्रोटेक्शन है। हीट प्रोटेक्शन इज सो मच नीडेड क्योंकि जैसे मैं यूज करती हूँ ना, अल्लाह ही जाने। बट छोटी सी बॉटल है, इसकी प्राइस अभी सेल में है 1600 समथिंग, आई एम नॉट श्योर। स्मेल्स ओके, इसका पंप लगा के देखती हूँ। मेरे बाल अभी आए हाय, मैं उल्टी तरफ क्यों लगा रही, इस तरफ लगाना चाहिए ना। ओके, इसका टेक्सचर वॉटरी है, इफ यू कैन स्किन सी। इसको रब करते स्मेल लाइक सरसों का या कोकोनट ऑयल, पता नहीं क्यों कोकोनट ऑयल की स्मेल लग रही है। अब मैं इसको लगाऊंगी अपने नॉट वॉश हेयर पे, तो धुले तो नहीं हुए मेरे बाल, पर शाइनी तो हो गए हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल की स्मेल क्यों आ रही है इसमें से? ओह माय गॉड गाइस, इसको मैं अगर ऐसे ही इस्तेमाल करूँ तो इतनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है ना, है ना? कमेंट करके बताएं कि कैसी आवाज़ लग रही है आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। एंड अगर लेकिन मैं ऐसे पकड़ के पहनूंगी तो ऐसा लगेगा मैं लोगों का इंटरव्यू ले रही हूँ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी फनी, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। कभी कभी इस माइक को यूज़ करूँगी, मुझे लगता है ये एवरीडे यूज़ के लिए नहीं है। सो कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो की ये आवाज़ कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिव्यू ले सकूँ इस वीडियो के बारे में और इस माइक के बारे में। और इस माइक की मैं आपसे डिटेल अभी शेयर करती हूँ। दराज से ऑर्डर किया है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। लेकिन मैं आप लोगों को वार्न करनी कि इसकी प्राइस 1000 रुपये ज़्यादा हो गई है जितनी मैंने खरीदी थी उससे ज़्यादा। मैंने इसको ख़रीदा है तकरीबन 1930 रुपये का शायद, अब इसकी प्राइस है 2950 समथिंग, आई डोंट नो 2900 समथिंग है। तो एक हफ्ते में 1000 रुपये प्राइस ज़्यादा हो गई है, आई डोंट नो क्यों। मैंने अपना आउटफिट कर लिया है चेंज और ये वही वाला ड्रेस है जो मैंने जिन पहना था। दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट कलेक्शन, आई डोंट नो प्रेजेंट ही था। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ये रमजान लास्ट जुम्मे पे पहना था, तो मैं सोचा आज ही पहन लूँ। कैसा लग रहा है आप बताएं? इस ड्रेस की ना बस मतलब इन तीनों ड्रेसेस की एक ही मसला है कि इन तीनों के साथ मुझे वाइट दुपट्टा लेना पड़ता है एंड आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग वाइट दुपट्टा। माइक मैंने यहाँ लगाया लेकिन मुझे लगता है मेरे गले के अंदर लग जा रहा है। गाइज दिस इज द माइक आई ऑर्डर एंड मैंने ये 1-to-1 किया था एंड इसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। आज हम अफ्तारी की तैयारी करने लगे हैं जलालाबाद यूनिवर्सिटी से, मेरे ख्याल से जौहर उनको लेने के साथ कचौरियाँ नहीं गए या पता नहीं वो खुद आएंगी, जो भी सीन होगा।
तो अब अफ्तारी की तैयारियां करते हैं। आज मैं प्रॉपर व्लॉग बना रही, मैं दो दिन से कुरान पाक पढ़ रही थी, तो मेरा जो तीन सपारे रह गए मैं आज रात को इंशाल्लाह दो या डेढ़ तो फिनिश कर लूंगी, कल डेढ़ इंशाल्लाह, कल कुरान पाक मेरा खत्म हो जाएगा। पाक फिनिश करने की वो जो होते हैं ना जल्दी में, नॉट जल्दी बट वो एक आप पढ़ के थक जाते हो, तो मैं दो दिन से सही तरह प्रॉपरली व्लॉग नहीं कर पाई आप लोगों के लिए, लेकिन अब इंशाल्लाह 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 मेरे कुरान पाक कल खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं यही हूँ व्लॉगिंग करेंगे। फिर ऑब्वियसली जैसे मैं रोज डेली कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा एक एक पेज दो दो पेज जैसे भी रोज पढ़ती हूँ वो मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी, लेकिन कुरान पाक जो कुरान पाक मैं 27 रमजान तक खत्म करना चाहती थी वो मेरा टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा। गाइज आज हम मामा समोसे फ्राई कर रही हैं और साथ बॉक्स पैटी और साथ पकौड़े हैं, मामा पकौड़े दिखाए और सारी चिप्स हैं और साथ बॉक्स पैटी और साथ जौहर भाई ला रहे हैं कचौरी और बच्चों के लिए बड़े समोसे। मैंने अभी दो तीन व्लॉगर्स की ना वीडियोस देखे हैं जो माइक यूज करते हैं ये वाला, तो उन सबकी आवाज ऐसे ही है जैसे मेरी आवाज आ रही है एंड उनके व्यूज भी अच्छे खासे हैं, बट आई एम बॉदर्ड कि मेरा व्यूज ना कम हो जाए। क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये इन्होंने हमारी नेस्ले की पानी की बोतल का विकेट बना लिया। मैं नहीं खेल रही यार, मैं मुझे रोजा लग रहा है, वैसे आधा घंटा रह गया, मुझे बहुत प्यास लग रही है। चिप्स बनाना शुरू करने, काला काला क्या अभी? ये लहसुन डाला ताकि ऑयल जो है ना काला ना हो। अच्छा तो मामा ने अब चिप्स मेरे लिए फ्राई की है, मैंने कल से कहना शुरू किया लेकिन बस आज ही खाऊंगी कल नहीं खाऊंगी पक्का। ठीक है ठीक है। ये मामा ने समोसे बॉक्स पैटी और ये घर में जो कचौरी मामा ने अन्नाबाजी का हिस्सा रखा था, ये अन्नाबाजी का ही है ना जी, हमने अपना कल खा लिया था और बस अभी पकौड़ों का बैटर ये फ्राई होगा और हमारी अफ्तारी रेडी। हम गेम खेल रहे हैं, हम गेस्ट द लोगो वाली गूगल क्रोम वेंडीज नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टेस्ला क्या आज बच्चों के बर्गर्स क्या आया है, ये जी सब कुछ आया है, ड्रिंक्स क्या कह रहा है, हद दो भी वैसे, ये चिप्स क्या कह रहा है, अब बना ही लाना एक घंटे के बाद चले, ये भाई केचप्स मैंने पहले कभी खाया, ये ट्रिपल लिया है, मेरे पास तो नानो की कुर्सी पे बैठियो बैठियो, हम नहीं बैठते, और फिर तुम कहते हो नानो प्यार नहीं करते तुमसे, कितनी बार करूं, 100 दफा। हमारे साथ एक बहुत ही भयानक सूरत हाल पेश आई, मैं और आमना यहाँ खड़े थे और दो गाड़ियाँ आई और हमें किडनैप करने वाली थी और हम भाग भाग के घर के अंदर घुस गए, हमें अल्लाह ने बचाया, हम लोग के पास सीसीटीवी फुटेज भी थी, सीसीटीवी तो दिखा दे। मेरी ना वीडियो के नीचे कमेंट करता है या आप जो शहरी के वक्त कहती रहती है ये हो रहा है ये हो रहा है, ये असल में भी होता है, अभी इसके सामने एक चीज़ होगी, मैंने कहा बताओ सच में हुआ है ना हमारे साथ, हुआ है ना लेकिन इस शहरी का वक्त नहीं है, ये तो 10-11 बजे हुए हैं ना, लेकिन काम हुआ है ना, हम असल कंटेंट डालते हैं, हम नकली तो नहीं डालते, लेकिन ये तरीका आमना जमीन आमना लेट जो जमीन पे अभी नहीं शहरी के वक्त लेता आएगा क्या, शहरी के वक्त जागूंगा और आप लोगों के साथ देखूंगा क्या क्या मस्ती होती है। सो मच आप लोगों ने मेरा पूरा ब्लॉग देखा, आप लोगों को मजा आया होगा, अगर आप लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो, बाय।